नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में माँ भुआल काली माता का मंदिर है। यहाँ माता की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन भक्त माता को ढाई प्याला शराब भी अर्पित करते हैं। इसके साथ ही जो शराब बच जाती है उसे भैरव बाबा को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण डाकुओं के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में माता दक्षिणा काली का एक मंदिर है, जहां भक्त माता को शराब अर्पित करते हैं और ऐसा माना जाता है कि माता को शराब चढ़ाने से नशे की लत छूट जाती है। लेकिन दोस्तों, देवी देवताओं को शराब अर्पित करने की ये परंपरा क्यों शुरू हुई? आखिर क्यों देवी देवताओं को शराब अर्पित की जाती है, क्या आप जानते हैं? अगर आपके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है तो आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग शराब को सोमरस कह के पुकारते हैं, लेकिन शराब को सोमरस कहना सही नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में सोमरस को लेकर कहा गया है कि ये सोम नाम की एक लता के रस से बनाया जाता था। सोम नाम की ये लताएं ऊंचे पहाड़ों जैसे हिमालय क्षेत्र में मिलती थीं। अध्ययनों से पता चलता है कि ईसा पूर्व से इस वनस्पति की पहचान करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वालों ने इस औषधि के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी। हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि सोम नाम की इस लता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। वेदों में सोम का संबंध अमृतत्व से माना जाता है। ऋग्वेद के एक श्लोक के अनुसार बहुत से लोग सोम को मात्र औषधि की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोमरस हमारे भीतर भी है, यानी मनुष्यों के भीतर भी सोमरस है, जो अमृत स्वरूप है और परम तत्व है, जिसको न खाया जा सकता है और न पिया जा सकता है। केवल ज्ञानी जन ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी सोमरस इंसान के अंदर बहने वाला एक सादगीपूर्ण रस भी कहा जा सकता है। यानी सोमरस का शराब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस सोमरस की बात हमने अभी तक की, उसका भोग देवी देवताओं को पुराने समय में लगाया जाता था। ऋग्वेद की एक त्रिचा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है कि सुत पावने सुता इमे शुचियो यंति वितये सोमासो दध्या शिरा। इस श्लोक का अर्थ है कि यह निचोड़ा हुआ शुद्ध दधि मिश्रित, यानी दूध से मिश्रित सोमरस सोमपान की प्रबल इच्छा रखने वाले इंद्रदेव को प्राप्त हो। यानी सोमरस प्राचीन समय में देवताओं को अर्पित करने की परंपरा थी। अब सवाल उठता है कि इस सोमरस की जगह क्या अब शराब ने ले ली है? कुछ मामलों में इस सवाल का जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ में नहीं। जैसे हमने आपको हरिद्वार के काली मंदिर की बात बताई, वहाँ माता काली को शराब इसलिए अर्पित की जाती है कि भक्त शराब पीने की लत को छोड़ना चाहते हैं और इसलिए माता को शराब चढ़ाते हैं। वहीं भैरव बाबा को शराब अर्पित करने और फिर उस शराब को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के पीछे ये वजह बताई जाती है कि इससे रोग मुक्त शरीर की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि प्राचीन काल में सोमरस भैरव बाबा को अर्पित किया जाता हो और कालांतर में उसकी जगह शराब ने ले ली, क्योंकि सोमरस को एक बलवर्धक रस माना जाता था, जो आपकी उम्र को भी बढ़ाता था और जिसे पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभव है कि सोमरस, जो कि एक पवित्र रस था और जिसे प्राचीन काल में देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था, उसकी जगह धीरे धीरे शराब ने ले ली। और एक समय ऐसा भी था जब शराब एक औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। और ये बात भी सत्य है कि किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक सेवन आपके लिए घातक हो सकता है। आज हम शराब को मादक पदार्थ के रूप में देखते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एक समय में ये औषधि के रूप में काम करती थी। शायद इसीलिए सोमरस की जगह शराब ने ले ली और इसलिए लोगों ने शराब को सोमरस कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। We'll be right back.